देखिए गाइस, जो आईसी अभी निकालते हैं भाई, ओएमएफसी निकाल रहे हैं, इसके लिए रिवॉल्व करेंगे और फिर इसका रिवॉल्विंग करेंगे, और रिवॉल्विंग से लेकर प्रोग्राम तक इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपके लिए। तो देखिएगा किस हिसाब से निकालते हैं और हाथ पकड़ने का, इस एमएफसी पकड़ने का और गन चलाने का तरीका क्या होना चाहिए, वो इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा आप। मेन चीज़ यही होता है ध्यान देना फ्रेंड। इससे क्या होता है, आप रिपेयर सीखते भी रहेंगे। और देखो एमएमसी को कितने अच्छे तरीके से निकाल लिया है भाई ने। और इसके लिए निकालने के बाद क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसका जो भी बॉल वगैरह है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और हमको क्या करना है, वायर से अपने और जो भी हमारे एमएमसी के बोर्ड के, हमारे मदरबोर्ड पर जो भी पॉइंट हैं इसके, एमएमसी के लगी हुई थी जहाँ पर, इसको सारी तरीके से अच्छी तरीके से हम सफ़ा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन कर लेंगे एक बार में। और ज़्यादा टाइट करके हमको आयरन नहीं चलाना है, इससे हमारी वॉल वगैरह जर उखड़ ना जाए वहाँ से। तो इसको आराम से हमको चलाना है स्लो स्लोली स्लोली, जिससे हम सफ़ा तो सही तरीके से कर सकें फ्रेंड। ठीक है, पेस्ट लगा के सही तरीके से करेंगे साफ़। और हमको क्या करना है, अपनी जो आईसी हमने निकाली थी एमएमसी, उस पर भी हम अच्छे तरीके से कोई भी एस्ट्रॉन वगैरह से या पेट्रोल से भी सफ़ा कर सकते हैं आप। इसके लिए अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसको इंस्टेंसिल के नीचे रखेंगे और इंस्टेंसिल में इस तरह फंसाएंगे, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे सारे। अब करते हैं एमएमसी रिवॉल्विंग। यह है मैकेनिक की पीपीडी 100/183। जब भी रिवॉल्विंग करनी है पेस्ट आराम से लगाना है, जोर दे के भरना नहीं है। साफ करा, ओके। ट्वीज़र से ज़्यादा लोड नहीं देना है एमएमसी को। तीन हीट को 300/50 सेकंड डी 2020 डी में हीट को एक साइड से हीट देंगे। वेट करेंगे, एमएमसी रिवॉल्विंग। इसमें थोड़ा सा पेस्ट देंगे, दोबारा हीट करेंगे। इससे क्या होगा, जो बॉल एमएमसी से नहीं लगी है वो दोबारा रीसोल्ड होके लग जाएंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा इसे साफ करेंगे। देखिए रिवॉल्विंग बिल्कुल सक्सेस हो गए। अब इसमें फ्रेंड हमारी आईसी में एरर है, इसलिए हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, देखना वीडियो लास्ट तक। फ्रेंड, आईसी प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है और कब की जाती है, कौन सा एरर आने पर की जाती है और कौन से सॉफ्टवेयर से की जाती है, हम दिखाएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, और हो सके तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना फ्रेंड, क्योंकि मेरा मुझे मोटिवेट मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से। थैंक यू फ्रेंड जी। रेडमी Y3 है, इसकी एमएमसी निकाली है, एमएमसी में एरर था। इसको हम चेक करेंगे क्या है। चल रहे हैं अपने ईजीजी टैग पर, सेटअप ईजीजी टैग प्लस खुलाएंगे, वेट करेंगे। इस पर टिक रहने देंगे और चेक IMEI प्लस UFS करेंगे, MMC प्लस UFS करेंगे।
तो MMC डैमेज है। एक बार दोबारा देखेंगे, फ्रेंड जो MMC है अभी आपको दिखाया था, सॉफ्टवेयर पर भी दिखाया था, लैपटॉप पर जो आया था अभी वो इसलिए क्या किस लिए आया था, MMC डैमेज दिखाई गई है। तो हम इसको एक बार दोबारा करके देख लेते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा क्या एरर आता है। ये हमारी देखो IC है वो डैमेज हो गई है, इसलिए हमको IC दोबारा दूसरी MMC चेंज करना पड़ेगी।